ट्रिगोनोमेट्री में आप लोगों को बहुत सौकत ये क्वेश्चन दिए जाते हैं, सपोज आप लोगों को एक ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन होता है और नीचे ऑप्शन में चार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन होते हैं और आपसे पूछा जाता है कि ये कौन सा किसके बराबर है। सही, मैं मिसाल देता हूँ, टू साइन एक्स बाई टू और कॉस एक्स बाई टू। सही है, कॉस एक्स बाई टू और आपको चार ऑप्शन गिवन होंगे, कॉस एक्स साइन एक्स, सही है, कॉस एक्स साइन एक्स, लेट्स से कॉस एक्स एंड दिस इज साइन एक्स, सही है, टेन एक्स वगैरह गिवन होगी। अब एक तो ये है ना कि आप लोग इसको नॉर्मल मेथड से कर लेते हैं, बंदा कहता है कि ये तो टू साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला है, तो साइन टू ऑफ थीटा डिवाइड बाई टू हो जाएगा, वो इसलिए एक्स बाई टू हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो थीटा है वो एक्स बाई टू है, टू टू कैंसिल हो जाएंगे तो साइन एक्स आ जाता है। सही, ये तो हो जाता है बट हर बंदे से नहीं होता और हर बार आप लोगों को ऐसे एक्सप्रेशन में नहीं गिवन होता जिसका फॉर्मूला आप लोगों को डायरेक्टली पता हो। सही है, इसका शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट ये कि आप लोगों को जो एंगल गिवन होता है ना ये एक्स, ये आप खुद से सपोज कर ले। कन्वीनियंट एंगल ये है कि साइन कॉस के लिए आप 90 सपोज कर ले क्योंकि वो वहाँ पे साइन 90 वो होते हैं, क्या कहते हैं, 1 होता है, कॉस 90 0 होता है और टेंजेंट 90 अनडिफाइन है, तो वो चूज ना करें, इंस्टेड टेंजेंट के लिए 60 यूज किया करें। सही है, अच्छा तो मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ एक्स इज इक्वल टू 90, मैंने सपोज कर लिया एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। सही है, यहाँ पे पुट कर लें तो 2 साइन 90 डिवाइड बाई 2 किया जाएगा 45 और कॉस 90 डिवाइड बाई 2 किया जाएगा 45। सही है, 45। अब इसको सॉल्व कर लिया तो ये जाएगा 2 साइन 45 आता है 1 बाई रूट 2 और ये दूसरा भी आता है 1 डिवाइड बाई रूट 2। सही है, सो 2 इंटू 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2 से आता है 1 बाई 2, सो इसको कैंसिल कर लें तो ये आ जाता है आपके पास 1। इट मीन्स कि जब आपने 90 पुट किया इस एक्सप्रेशन में आपके पास आंसर आया 1। अब यही 90 एंगल चार ऑप्शंस में पुट करें, जो आपके पास ऑप्शन होते हैं ना उन 90 पुट करें, चाहे cos 90 इज 0, cos 90 इज 0, सही है, इसको तो इग्नोर करें, sin 90 इज, sin 90 इज 1, ये मैच हो गया, सो दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर हो गया। सही है, 1090 चार ऑप्शंस चेक करने, सही है, 1090 ये तो अनडिफाइन हो गया। सही है, और कोसेक 90 वगैरह अगर कुछ भी होना उसको भी चेक कर सकते हैं। सही है, अब कोसेक 90 से भी 1 ही आते हैं। सही है, क्योंकि वो 1 बाई साइन 90 और 1 बाई साइन 90 1 आते हैं। अब अगर इस तरह हो जाए कि अगर आपका चार ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन मैच हो रहा है, इट मीन वो आपका आंसर है। सही है, जैसे कि मेरे चार ऑप्शन अगर होते उसमें सिर्फ साइन एक्स मैच हो रहा है तो बस ये मेरा आंसर हो गया। अगर इस तरह ऑप्शन हुए कि उसमें दो ऑप्शन मैच हो रहे हैं, तो पहले मैंने एंगल 90 सपोज किया था, आप लोग कोई 60 सपोज कर ले, दूसरा एंगल सपोज कर ले, फिर आपके पास फाइनली एक ही मैच हो जाएगा ऑप्शन और वही आपका आंसर होगा। मैं आपको दूसरा मिसाल देता हूं, आप लोगों को ये क्वेश्चन ज्यादा मिलता है, 10x by 2, 10x divided by 2, half angle formula में root of 1 minus cos x divided by 1 plus cos x, 1 minus cos x divided by 1 plus cos x, सही है ना, ये आपको ज्यादा मिलता है, ये आपको ज्यादातर यूज हो जाते हैं। सही है, तो इसको अगर ये आपको गिवन होता है या फिर ये आपको गिवन होता है, ये दूसरा पूछा गया होता है। सही है, आप लोग इसमें जरा 90 पुट कर ले, देखो टेंजेंट 90 है, मैं इसमें 90 इसलिए भी पुट कर सकता हूं कि ये डिवाइड बाय 2 है तो ये खुद उसको 45 कर लेगा और टेंजेंट 45 कौन होता है, सो x is equal to 90 मैं सपोज कर लेता हूं। सही है, मैं इसमें पुट कर रहा हूं और मेरे हिसाब ऑप्शन में इस तरह के चार ऑप्शन जो कि जिस तरह ये है। सही है, तो 1090 जरा पुट कर ले तो ये आ जाता है 1090 डिवाइड बाय 2, सो ये 1045 हो जाएगा, ये आ जाएगा 1। सही है, अब यही मैंने ऑप्शन में पुट करना है, मुझे चार ऑप्शन गिवन होंगे उसमें से एक ये करेक्ट ऑप्शन होगा। इसमें जरा 90 पुट कर ले, 1 minus cos 90, cos 90, or divided by 1 plus cos 90, 1 plus cos 90, sahi, cos of 90, cos 90 is 0, so under root of 1 minus 0 divided by 1 plus 0, 1 plus 0, that is 1 divided by 1 ka root, and that is 1, sahi, that is 1, so aapke paas match ho gaya, 1045, 1, yahan pe jo 90 put gaya, to 1 answer aa raha hai, yahan maine 90 option mein put gaya, to 1 answer aa raha hai, it means, ये वाला ऑप्शन इसका आंसर है और ये शॉर्टकट हमेशा लगता है और ये मतलब अनकंडीशनल शॉर्टकट आप इसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। थैंक यू।